गया है, कितना ज़्यादा पकड़ा है स्वराज का, तो अभी इसको लगाएंगे। दोस्तों आ गया हमारे पास स्वराज 735, इसका दोस्तों इंजन सीज हो गया आपकी दा कतराई में। इसको अंदर लगा के अच्छे तरीके से, कल रात के ही गाड़ी आई थी तो इसको लगा के, अभी कौन सा पिस्टन पकड़ा है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो पूरा खोल रहे हैं, खोल के आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही अंधेरा है, खोल लिया गया है, एक ही पिस्टन इसका पकड़ा है और मैं इसके एक ही पिस्टन इसका पकड़ा था जो मैंने खोल लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के। तो ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा इसको मतलब पकड़ लिया गया है, कितना ज़्यादा पकड़ा है, पूरा चौफेर से ही पकड़ा है दोस्तों। ये देखिए ये पूरा पकड़ लिया है, और इसको कनेक्टिंग इसकी सही है दोस्तों, कनेक्टिंग यही रहेगी। लेकिन इसका सिलेंडर भी मैं निकाल लिया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे पिस्टन देखिए कितना ज़्यादा ये पकड़ लिया है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये पकड़ लिया है। ये इसका दोस्तों नया पिस्टन आ गया है स्वराज का, तो अभी इसको लगाएंगे। ये लॉक भी आ गया है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भी सेट करेंगे। ये देखिए एक सिलेंडर भी आ गया है, सिलेंडर ये नया है दोस्तों, ये भी इसमें था। और इसका सिलेंडर ये देखिए है, सिलेंडर भी इसका पकड़ा है बहुत तगड़े से दोस्तों। ये देखिए यहाँ पूरी तरह से एकदम पकड़ा हुआ है, तो अभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पकड़ा है, तो अभी इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों किस रीजन से इसका पिस्टन पकड़ा है मैं आपको बताऊंगा। इसका दोस्तों पानी ना रहने की वजह से इसका पिस्टन पकड़ा है। अभी इसको देखिए कैसे ढोंक के निकालेंगे इसका सिलेंडर को। ये देखिए दोस्तों इसका सिलेंडर एक ही बार में निकल आया है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा ये पकड़ा है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये पकड़ा है, ये देखिए इधर भी। तो इसको अभी ये नया लाए हैं, अभी इसको लगाएंगे, इसको फिलहाल हटा दिए हैं। और ये अपना पिस्टन आ गया है नया। दोस्तों लापरवाही की वजह से मतलब ये गाड़ी ऐसी पहुंची है। ये देखिए पिस्टन कितना ज़्यादा पकड़ा है, तो आप ऐसी गलती ना करें जिससे अपना आपका ट्रैक्टर ख़राब हो जाए। इनका ही ट्रैक्टर है देखिए, बहुत ही ड्राइवर की माथे छोड़ दिए थे, ड्राइवर ने गलती करके इसका इंजन सीज कर दिया है, जो पानी नहीं डाले हैं। तो अभी इसको अंदर लिए हैं, अभी इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ही दोस्तों रात की गाड़ी आई थी, तो अभी इसको बांधते समय मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे, सफ़ा कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको बांधेंगे। तो चलते हैं इसको फटाफट सफ़ा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कनेक्टिंग अपनी पूरी बढ़िया तरीके से सेफ है। देखिए ये भी बिगिन बहुत ही झक्कास है, खाली पिस्टन भी पकड़ा है, वो भी एक दो नंबर पिस्टन दोस्तों इसका पकड़ा है बस, और बाकी कोई पिस्टन नहीं पकड़ा है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए इसका पिस्टन मैं लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे लगाऊंगा इसको। उससे ये पिस्टन नया आया है, ये देखिए दोस्तों इसका पुराना ही लॉक तो नया आया है, लेकिन इसकी गजन पिन जो है पिस्टन गजन पिन दोस्तों इसकी वही रहेगी, नई नहीं आई है। ये देखिए इसकी गजन पिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इसकी गजन पिन में निकल आई है, गजन पिन यही रहेगी दोस्तों, और इसका जो लॉक है ये नया रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें ऑयल लगा लिया जाएगा जिससे अपना लॉक बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसका लॉक दोस्तों हमने बैठा लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इधर ऑयल लगा के अब इसका पिस्टन में लगाऊंगा कनेक्टिंग में। ये देखिए कनेक्टिंग में भी ऑयल लगा लेना है, ये देखिए दोस्तों इसकी गजन पिन जो है इसमें भी ऑयल लगा लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए
लेकिन हमने एक कैत लगा लिया है और मक्खी दोस्तों इसकी टीएम कैत रहेगी, इसलिए आपको ध्यान करके बड़ा भाग जो है अपना टीएम ही कैत रहेगा। इसको हम लगाएंगे अब, ये देखिए दोस्तों ये लग गया है और इसका लाग घाट आ गया है। तो अब अच्छे से दोस्तों ये देखिए कनेक्टिंग में लग गया है। इधर दिखाइए, ये जो छोटा भाग है दोस्तों ये पंप का इधर रहेगा और ये जो बड़ा वाला भाग है ये अपने केम का इधर रहेगा। इधर मक्खी भी केम की तरफ रहेगी, तो आपको इन बातों को ध्यान करना है। अब इसका लाग ये वाला लगा देंगे, इधर दोस्तों ये देखिए लाख लग गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बैठ गया दोस्तों। इधर दोस्तों इसकी सफाई हो रही है जिसमें अपना सिलेंडर लगेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से रेस पर सामान लेना है पॉलिश पेपर से। अब इधर दिखाइए, ये देखिए अब दोस्तों इसकी रिंग में चढ़ाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी रिंग चढ़ा के और उसके बाद इसको लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसकी रिंग आ गई है, इसकी रिंग में चढ़ा के आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इसकी लोस्टर कंपनी की है, ये देखिए ये ऑयल है और ये टेम्परेचर और ये कंप्रेसर रिंग है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों अभी लगाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों इसकी रिंग, पहले सबसे पहले आपको इसका सिलेंडर में चेक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे दिखाइए दोनों एकदम बढ़िया बराबर हैं, ये रिंग दोस्तों सही है, दूसरी वाली भी ये देखिए ये भी सही है दोस्तों। तो अभी इसको इसमें चढ़ाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें ऑयल रिंग चढ़ाएंगे, इसको निकाल लेना है आपको सबसे पहले, उसके बाद कट वाला निशान आपको देखना है। रखूं दोस्तों इसकी ऑयल रिंग बैठ गई है, ये देखिए दोस्तों इसकी ऑयल रिंग बैठ गई है। अब दोस्तों इसकी दूसरी रिंग चढ़ाएंगे, टेम्परेचर रिंग है ये दोस्तों, ये थोड़ा हार्ड रहती है, इसको अच्छे से तो ये देखिए दोस्तों दूसरी भी रिंग चढ़ गई है। और ये देखिए इसकी तीसरी और अखीरी लगाने जा रहे हैं, वो रिंग लगाने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इसकी रिंग पूरी तरह से चढ़ के कंप्लीट हो गई है। तो अभी इसके सिलेंडर फोक के और पिस्टन लगा के आपको दिखाऊंगा चला के ट्रैक्टर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए देसी बॉन्ड आ गया है और इसकी ओरिंग अब लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसकी नचा के बैठाना है, नचा के बैठा देना है आगे का।
ये देखिए दोस्तों, इसकी ओरिंग में बढ़िया तरीके से लगा लिया हूँ। अब दोस्तों इसमें रेसिबोन लगाएंगे, ये देखिए रेसिबोन लगाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा देखिए। अब दोस्तों इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे, ये देखिए दोस्तों इसको इसमें लगाएंगे तो इसका सिलेंडर बहुत ही अच्छे तरीके से घुमा के ही लगाना है, बढ़िया तरीके से इसको बैठा लेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हमें देखना कैसे लगाएंगे। ये देखिए बैठ गया है सिलेंडर, अभी इसको इसमें पिस्टन डालेंगे तो अभी इसमें सिम लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब अपना पिस्टन लगाने जा रहे हैं। ये देखिए मक्खी रही केम की तरफ, तो दोस्तों इसका जो रिंग का ग्रुप है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग कर लेना है। दोस्तों इसको मिला लिया गया है, इसको बैठाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से यही सिलेंडर में, इसको डाल के मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों इसकी रिंग बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे, दोस्तों इसकी रिंग बैठ गई है, अब इसको लगाएंगे रिंग में सीधा। तो दोस्तों इसमें ऑयल लगाते अभी इसको लगाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इधर दिखाइए रिंग में भी आपको ऑयल लगा लेना है, और इसके बाद इसको लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे, तो दोस्तों ये बैठ चुका है अपना सिलेंडर, अभी इसका नीचे का पल्ला लगाएंगे और टाइट कर देंगे बढ़िया तरीके से। ये देखिए दोस्तों इसको नीचे ले जाया जाएगा, अब नीचे इसका पल्ला लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे। दोस्तों अपना नया वाला पिस्टन जो है लग गया है, और ये दोनों पुराने ही हैं दोस्तों, तो अभी इसका पंप भी खुला है, कल इसका पंप बांध के मैं आपको स्टार्ट करके इसको दिखाऊंगा। इसका सबसे पहले पल्ला लगा लेंगे, ये देखिए दोस्तों इसका बोल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट हो रहा है, और अभी इसका हेड बढ़िया तरीके से धरेंगे। देखिए दोस्तों अब इसका बूस्ट लगाने जा रहे हैं, ये वार्सल पहले रहेगा उसके बाद ये स्प्रिंग, इधर दिखाइए ये देखिए, ये ऐसे ही दोस्तों लगेगा, ऐसे ही सारा लगा लेंगे। तो दोस्तों ये लग गई है, देखिए सारा लग गया, अब इसमें रेसिबोन लगा लेंगे, जो ऊपर वाली ओरिंग है इसमें दोस्तों आपको ध्यान कर कर रेसिबोन लगा लेना है। अब इसका दोस्तों हेड रखने वाले हैं हम लोग, पहले हेड रख देंगे, तो ये देखिए दोस्तों हेड में रेसिबोन लगा कर ही बांधना, इसे सिम लगी है इसकी गैसकेट, गैसकेट इसकी दोस्तों चपकी हुई है। ये देखिए दोस्तों इसका हेड हम रखने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे दोस्तों, सब बुश को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करके उसके बाद ही रखेंगे। आराम से आहिस्ता आहिस्ता जाएगा ये,
बोस सब सेट करो, नीचे दिखाओ नीचे सारा बोस दोस्तों इसका सेट कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैठाएंगे, हो गया। ऊपर दिखाइए, ये देखिए दोस्तों इसको हमने बैठा दिया है, ये बैठ गया है। अब इसका दोस्तों सारा बोल्ट लगाएंगे, ये दोस्तों 12 बोल्ट से बंधा है, इसको पूरी तरह से बढ़े टाइट करेंगे 12 बोल्ट से। तो ये देखिए दोस्तों इसका पंप भी खुला है, और दोस्तों इसका सारा बोल्ट लगा लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से लगा के, उसके बाद टाइट कर देंगे दोस्तों। आज तो इसको मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, कल इसका पंप दोस्तों आ जाएगा तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। और भी ट्रैक्टर का मैं वीडियो डाला हूं, यही ट्रैक्टर का 16735 का भी और न्यू हॉलैंड 3037 का, दोस्तों आप जाके चैनल मेरे देख सकते हैं। दोस्तों जाके चैनल में मैं बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो ट्रैक्टर की जानकारी के लिए, दोस्तों आप जाके चैनल में देख सकते हैं। दोस्तों आपका जो भी ट्रैक्टर है मुझको कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, और जिस चीज़ का वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट करिए, मैं आपको उसी चीज़ का वीडियो बना के डालूंगा। तो ये देखिए दोस्तों इसका हेड टाइट हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसका पुसराड में लगाने जा रहा हूँ, आपको देख के ही लगाना है गाइड में बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों देख के लगा देना है आपको सारा। देखिए 6 पीस बहुत ही अच्छे तरीके से लगा देना है आपको, देखिए लग गई है। अब दोस्तों बारी आती है इसकी टाइफिट चिड़िया की, जो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों लगाई जाएगी, सही रहेगी, आपको देखकर ही लगा लेना है। दोस्तों इसकी टाइफिट चिड़िया तीनों को ऐसे ही लगा लेंगे, ये देखिए तीनों को लगा लेना है आपको, इसका सारा बोल्ट लगा के अभी बढ़िया तरीके से टाइट करेंगे। दोस्तों इसके तीनों बोल्ट लगा लेना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, और 13 नंबर भी लगा लेना है आपको, ये देखिए वार्सल को लगा लगा के। दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। अब पहले 13 नंबर आपको टाइट कर लेना है, उसके बाद 17 नंबर को, ये देखिए दोस्तों इसकी टाइफिट चिड़िया बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट हो गई हैं सब। और अब दोस्तों इसकी टाइफिट मिलाएंगे आपको दिखाएंगे, चिम्मर भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर लिया गया है, और इसमें रेसी बॉन्ड भी लगा लिया गया है। अब इसको लगाएंगे दोस्तों ऊपर, टाइफिट भी बढ़िया तरीके से मिलाएंगे अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चिम्मर लगा लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद दोस्तों उसको टाइट करेंगे, और ऊपर अब टाइफिट मिलाने की बारी आ रही है दोस्तों। चिड़िया मिलाएंगे, सबसे पहले 1 नंबर से शुरुआत करेंगे, अभी इसको नचा के कितने पे क्या मिलाना मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको नचाएंगे, दोस्तों ये और ये जब दब के उठने लगेगी तब ये आएगी, अभी देखना मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये बैठ रही है, तो अभी इसको पूरी तरह से जाने देना है आपको, जब उठने लगे तभी ये आएगी, अभी इसको मिलाना है आपको। ये देखिए ये उठने लगी है, तो अभी दोस्तों ये टाइफिट आ गई है, ये देखिए ये पूरी तरह से लूज है, तो अभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों मिलाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं मिलाता हूँ। सबसे पहले आपको इसको चोट देना है, और दूरी सिखाइए, ये देखिए दोस्तों इसको थोड़ा लोच करेंगे, इसलिए ये देखिए 13 नंबर लोच करके इसको टाइट करेंगे तो अपनी टाइफिट टाइट होगी।
मैं अनजाती से ही दोस्तों मिलाता हूँ। ये देखिए कितना आपको रखना है, इधर का भी दूर से दिखाइए, इसको देखिए इधर भी लूज करके आपको पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ऐसे सेट कर लेना है। दोस्तों इतने में ये ट्रैफिक आ गई है, तो अभी इसको इतने में ही लॉक कर देंगे। ये देखिए थोड़ा हल्का टाइट हो गई है दोस्तों, तो आपको एक बराबर ही सबको मिलाना है। ये देखिए हाँ हाँ दोस्तों दोनों टाइप बड़े तरीके से मिल गए हैं। और ऐसे ही दोस्तों जब ये वाली डब के और ये तो ये आएगी, और जब ये हो जाएगा तो ये आ जाएगी दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान करके टाइपिंग मिला लेना है। मैंने ऑलरेडी इनको दोनों को मिला लिया था, इसको सिंपली मतलब दिखाने के लिए आपको इसको मिलाया था, एक बार फिर से आपको चेक करा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों जब ये और ये दबेगी तभी ये बीच वाली आएगी। ये देखिए ये भी दब रही है, ये भी दब रही है, दूर दूर से दिखाइए तभी ये आएगी दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अभी दब रही है, अभी जब उठेगी तो ये वाली को मिलाना है। ये देखिए ये उठने लगी है, तो ये पैकेट मैंने मिलाया है, ये आ गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर दोस्तों अब बारी आती है उसकी, तो उसको भी मैं बताऊंगा। ये देखिए अब दोस्तों ये वाला और ये वाला जब दबेगा तब वो अपनी ये वाली टैफिट आएगी। ये देखिए ऐसा दोस्तों कोई नहीं बताएगा। ये देखिए ये दब रही है और ये दब रही है, तो अपने ये वाली आ जाएगी। ये देखिए फिर जब दब के उठने लगे तो फिर आपको ये देखिए उठने लगी है, ये आ गई है। इसके मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लिया है दोस्तों, ऐसे कोई नहीं बताते लेकिन मैं आपको सब बता दूंगा। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए टाइपिट दोस्तों इसकी तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से मिला ली गई हैं, और अब दोस्तों इसका कटोरा भाई के बांध के आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसका जो टाइपिट कटोरा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों को साफ कर लिए हैं, और अब दोस्तों इसमें रेसी बॉन्ड लगाएंगे और लगा के बांधेंगे तीनों में। दोस्तों रेसी बॉन्ड ही लगा कर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सेलेक्स को लगा देना है। तो अब इसको लगाएंगे, देखिए दोस्तों अब इसका रेसी बॉन्ड लगा लिए हैं हम लोग, रेसी बॉन्ड ही लगाकर आपको बांधना है। ये देखिए ये ऐसे ही रहेगा, ये दोस्तों बीच वाला नहीं है, ये किनारे वाला है, तो आपको पेंट देखकर ही लगाना है। मैं ये देखिए ये एक लग गया है, और अब दूसरा भी लगाएंगे, तीसरा भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसको लगाएंगे। दोस्तों इसका सारा बोल्ट लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इसका सारा वार्सिंग पहले लगा लेना है आपको, उसके बाद ये देखिए इसका बोल्ट भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे तीनों का। दोस्तों इसको ज़्यादा आपको नहीं टाइट करना है, जितना टाइट करना कि लीकेज ना करे, नहीं तो अपना कटोरा दोस्तों चिपक जाएगा, बिना मतलब का ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इतना ही मैं टाइट करता हूँ इसको लिमिट से दोस्तों, तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ये टाइट हो गया है, और दोस्तों धीरे धीरे इसका सारा काम कंप्लीट हो गया है। चिमर भी नीचे टाइट हो रहा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए, और ऊपर का फिलहाल काम कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसका ये वाला बांध लेंगे पोजीशन, उतना इसका काम दोस्तों फिलहाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ईयर वाला सिस्टम था, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगा के कस देंगे। देखिए दोस्तों पूरी तरह से एकदम कंप्लीट हो गया है, इसका भी पंप में बांधा हूँ, तो बांध दिया हूँ, ये देखिए। और दोस्तों इसमें देखिए क्या लिखाए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी इसको बाहर निकालेंगे, अभी इसका सेट दोस्तों यहाँ पे बन रहा है, अभी इसको बाहर निकालने वाले हैं धक्के से। ये देखिए दोस्तों इसको बाहर निकाल लिया गया है। अभी इस जो टोचन में आई थी दोस्तों गाड़ी, इसका रस्सा लगा है,
तो अभी इसका सेल्फ बन जाए तो अभी इसको स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाएंगे। दोस्तों अभी इसका साइलेंसर भी बांधने जा रहा हूँ मैं, बड़े तरीके से बांध के। दोस्तों अभी इसको स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये धक्के में हो गया है पूरी तरह से, इसका साउंड दोस्तों बदल गया। अभी आवाज़ ये कर रहा था जब आया था, तो जब आया था तो इसका पूरा इंजन जाम था दोस्तों। अभी इसका पूरी तरह से साउंड ही बदल गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रमा होगा दोस्तों। एक ही पिस्टन इसका डला हुआ है इसलिए। अभी ऐसे ही चलेगा दोस्तों, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों ट्रैक्टर वाले दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए दोस्तों। और मेरी वीडियो और भी इंजन का मैं डाला हूँ, आप लोग जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।